भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन विराट कोहली रोहित शर्मा का आया तूफान और भारत ने जीत लिया 305 रनों से दूसरा टेस्ट मुकाबला। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट मुकाबला आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच घमासान विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी हुई। पूरा का पूरा फुल हाईलाइट मुकाबला दिखाएंगे और किस तरीके से हिटमैन रोहित शर्मा ने दोहरी और विराट कोहली ने तेहरी पारी खेलकर यहां पर इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया और आज से 90 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जी हां, दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज का तूफान आया था। काफी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाजी की थी जिसमें मोहम्मद सिराज ने काफी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाजी से 55 रन पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। आखिरकार पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट मुकाबला दिखाएंगे दूसरे दिन का कि किस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। साउथ अफ्रीका के अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के आगे पानी भरते हुए नजर आए। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक अगर आप मुकाबला देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस छाला गया तो टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता भारतीय टीम को दिया। भारतीय टीम की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सबसे पहले मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए गए, जहां पर यशस्वी जायसवाल 17 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता दे गए। फिर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए शुभमन गिल आए, शुभमन गिल सिर्फ 34 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता दे गए। रवाड़ा ने सोचा कि हम पहले ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर देंगे, लेकिन रवाड़ा ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से हमारे पहले ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा देंगे। आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा ने रवाड़ा को इस कदर रुलाया है, रवाड़ा को इस कदर धोया है कि रवाड़ा कभी भी भविष्य में नहीं सोच सकता है। रवाड़ा की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके जड़ दिए, जहां पर रवाड़ा का कबाड़ा हो गया। भारतीय टीम के दिग्गज हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका की सरजमी पर जाकर के ऐसा कहर बरसाया कि 308 रनों से यानी कि 305 रनों से भारतीय टीम मुकाबला जीत गई है। आप सभी को बता दें कि सभी दिग्गज से दिग्गज यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जब आउट हो गए तो विराट कोहली रोहित शर्मा का धाकड़ बल्ला चला, जहां पर रोहित शर्मा ने दोहरा शतक और विराट कोहली ने तेहरा शतक जड़कर इतिहास में अपना नाम रोशन किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। साउथ अफ्रीकी के गेंदबाजों की धमकी धज्जियां उड़ाई, जहां पर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आया तो विराट कोहली रोहित शर्मा में आप किसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। रवाड़ा को इस कदर धोया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दोहरा 13 शतक जड़ के भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर अपना नाम